भारत गहरी जड़ों और समृद्ध विविधताओं का देश, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र। अपने नेताओं को चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनना लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या आपने 2009 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? आम तौर पर मतदान नकारने के बहाने कुछ ऐसे होते हैं। कई लोग मानते हैं कि मेरे एक वोट की भला क्या गिनती, मेरे अकेले के वोट करने से क्या होगा, या फिर मतदान का दिन एक और छुट्टी का दिन। मैंने तो पहले ही अपने परिवार के साथ कार्यक्रम तय कर लिए थे, कुछ को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखनी थी। यह अक्सर लोगों में पूरी शासन व्यवस्था के प्रति एक निराशा का भाव पाया जाता है कि वोट करने लायक कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं है, या फिर अक्सर पाई जाने वाली एक उदासीनता कि 2009 में चुनाव हुआ भी था क्या। इन्हीं बातों के परिणाम स्वरूप एक चौंका देने वाला सच उभर कर सामने आता है। आंकड़ों के मुताबिक मताधिकार रखने वाले मतदाताओं में से केवल 54% ही मतदान करने निकलते हैं। प्रजातंत्र में सरकार को होना चाहिए जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए, लेकिन क्या भारत में सचमुच हम ऐसा पाते हैं? प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण होता है। चलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की एक बार फिर कल्पना करते हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र में केवल 54% लोग मतदान करने आते हैं। विजयी पार्टी जीतती है 16-20% मत प्राप्त करने पर, और विजयी पार्टी की जीत की बढ़त 5% मतों से भी कम की होती है। इसका सीधा मतलब है कि पूरे देश का भविष्य एक ऐसे उम्मीदवार को सौंपा दिया गया जिसे 16-20% मतदाताओं ने मतदान करके चुनकर भेज दिया। इस प्रकार के असंतुलन से एक घटना चक्र की शुरुआत हो जाती है। विजयी उम्मीदवार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं देता जिन्होंने चुनाव के समय अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अंततः होता यह है कि लोगों का पूरी शासन व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है और वो अपना मताधिकार ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उसका कोई मतलब ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ वो विजयी उम्मीदवार लगातार उनके लिए काम करता है जिन्होंने वोट देकर उसे विजयी बनाया था। बस फिर यही क्रम चलता रहता है। यूं देखा जाए तो वो उम्मीदवार तो लगातार अपने काम में जुटा है और वो उनकी सेवा कर रहा है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया। आपका वोट इस घटनाक्रम को बदलने की ताकत रखता है। तो आज की तारीख में सरकार तो उसी छोटे से समूह के द्वारा के लिए और उन्हीं से बन चुकी है जो इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाए, लेकिन ये सब कुछ बदल सकता है। चुनाव में किसी भी विजयी उम्मीदवार की जीत की बढ़त केवल 5% से भी कम होती है। तो यदि हमारे आसपास 1000 लोग हैं और उसमें यदि 50 नए लोग किसी एक उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। यदि इसी तरह हर जगह से 200 नए लोग मतदान करते हैं तो चुनाव में एक नए व्यक्ति को विजयी बनाया जा सकता है। इसीलिए आपका वोट सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है।